हम लोग बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल टॉपिक के अंदर आइट्रेशन और लूपिंग कंस्ट्रक्ट की हम लोग इस टाइम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर वन ही है और चैप्टर नंबर वन में रिव्यू ऑफ पाइथन पाइथन करके आपका चैप्टर नंबर वन ही चल रहा है और इसके अंदर जो एक आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल करके एक टॉपिक आ रहा है और फ्लो ऑफ कंट्रोल टॉपिक में हमने दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं, सिचुएशन स्टेटमेंट, दूसरा है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, थर्ड वन इज द रेपिटेटिव स्टेटमेंट, सिचुएशन या लूपिंग कंस्ट्रक्ट की बात कर। इटरेशन या लूप यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस हो, है ना, यहाँ पर आप रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस हो ऑफ प्रोसेस हो वहां आप लूप के प्रोविजन कर रहे हैं, लूप के प्रोविजन आप कर रहे हैं। तो इसके लिए कैसे आप वर्क करोगे, आप मान लीजिए एज्यूम करिए कि आप 1 टू 10 काउंटिंग नंबर प्रिंट कर रहे हैं और अगर आप इसको लूप के थ्रू नहीं करते हो तो अगर मान लीजिए सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू करते हो तो आपको कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर लूप नहीं है तो इसको हम कैसे करेंगे, एक सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग करके देखते हैं। आपने एन इक्वल टू वन फिर आपने प्रिंट एन किया, फिर n प्लस इक्वल टू 1 किया, फिर प्रिंट n किया और इसको तो ऊपर 1 प्रिंट होगा, इस स्टेटमेंट से 2 प्रिंट होगा, फिर यही लिखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक की प्रिंट करने के लिए मुझे कितने स्टेटमेंट लिखने पड़े। तो मैंने इस प्रोग्राम को फर्स्ट एक्टिविटी डॉट पाई करके इसको डेस्कटॉप में अप्रैल 23 करके फोल्डर है उसमें हमने सेव किया ऐसे। तो अब जब हम इसको रन कराते हैं तो 1 टू 10 काउंटिंग नंबर्स आपके प्रिंट हो जाते हैं। इस काम को करने के लिए हमें लगभग 20 स्टेटमेंट्स आपने लिखे, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो पहले 10 to 20 स्टेटमेंट्स आपने लिखे और एक को इंक्रीमेंट कराने के लिए और एक आपने प्रिंट करा, 20 स्टेटमेंट्स आपने इस प्रोग्राम को करने के लिए लिखे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस, हमेशा पिछली वाली वैल्यू से 1 का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ ये देखिए पिछली वाली वैल्यू से 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस हो वहाँ आप लूप का प्रोविजन करते हैं। अब हम इसको देखते हैं, इस काम को करने के लिए हमारे पास लूपिंग में दो तरह की चीजें, तो फॉर का लूप, एक आपका वाइल, हम दोनों तरीके से इस काम को करके दिखाते हैं, है ना। फॉर के लूप के थ्रू अगर 1 टू 10 काउंटिंग नंबर प्रिंट करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, फॉर के लूप में आई इन रेंज लिखते हैं और इसमें जहां से आपका प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, जहां से वैल्यू स्टार्ट होती है वो पॉइंट लिखते हैं 1, जैसे 1 टू 10 में पहली वैल्यू क्या है 1, तो वो पॉइंट लिखते हैं और लास्ट स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू से जस्ट बाद की वैल्यू को लिखते हैं, जैसे बॉटम वैल्यू है 1 और टॉप वैल्यू है 10, तो टॉप वैल्यू से जस्ट बाद की वैल्यू लिखते हैं। तो अगर 1 टू 10 प्रिंट करना है तो 1 टू 11 आप, ठीक है 1 टू 11 आप प्रिंट करते हो हर बार, क्या कहते हैं, तो रेंज फंक्शन में ये क्या है, ये बॉटम वैल्यू है, ये टॉप वैल्यू के जस्ट बाद की वैल्यू आप लिखते हो। तो रेंज फंक्शन में 3 आर्गुमेंट पास होते हैं, पहला इनिशियल वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू के बाद की वैल्यू, जस्ट बाद की वैल्यू आप लिखते हो, और तीसरी एक वैल्यू और लिखते हो इंक्रीमेंट वैल्यू, जैसे 1 के बाद 2 आएगा तो यहाँ भी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 के बाद 3 आएगा,
यहाँ भी 3 का इंक्रीमेंट और यहाँ भी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हर बार लूप के चलने पर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये इंक्रीमेंटिंग वैल्यू जो है कितने स्टेप्स का इंक्रीमेंट होगा वो आप एज अ थर्ड वैल्यू आप स्पेसिफाई करते हो, और जब आप इसको आप रन कराते हो तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेव एज रन कराया, रन कराने के बाद आपका इस तरह से 1 to 10 आपका प्रिंट होगा। तो ये जो आप देख सकते हो ये आपका जो प्रोग्राम अभी आपने सिक्वेंशियली कितने लाइंस में लिखा था, मेरे ख्याल से 20 लाइंस में अभी लिखा था इसमें आपने यहाँ पर, उसको आपने कितने लाइंस में अब लिख दिया लूप के थ्रू 2 लाइंस के। तो ये फॉर के लूप में ये है, फॉर के बाद एक नंबर आता है जो वैल्यू को कैरी करता है, और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक फ्लोट हो रहा है वो 1 to 11 तक फ्लोट हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 1 है, 11 टॉप वैल्यू से जस्ट बाद की वैल्यू लिखी जाती है, अगर यहाँ 11 लिखा है तो 1 to 10 जा रहा है, और जितने स्टेप्स का या जितने नंबर का इंक्रीमेंट होगा ये आपका 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो इंक्रीमेंटिंग नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ये फॉर लूप का ये प्रोविजन है ना। तो अब फॉर लूप के बारे में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फॉर लूप के इस फॉर्मेट को कई बार देखा है। अब इसमें एक जो चीज ये है कि एक प्रोविजन एल्स का भी फॉर लूप में प्रोविजन होता है। एल्स एल्स क्या है, एल्स अब जब ये कंडीशन जब ये लूप से बाहर निकलता है, जब आपका कहते हैं आई की वैल्यू 1 से 10 तक होती है, 10 से जब आई की वैल्यू 11 पे पहुंचती है, तो ये रेंज फॉल्स मानी जाती है। जब ये रेंज फॉल्स होती है तो आप क्या कहते हैं, रेंज के फॉल्स होने पे या कंडीशन के फॉल्स होने पर आप जो प्रिंट कराना चाहते हो या जो करना चाहते हो वो आप यहाँ पर एस कंडीशन लिख सकते हो, या द कंडीशन लूप इज गोइंग टू एग्जिट नाउ, आपने लिख दिया, तो लूप के फिनिश होने पर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें, आप रन करें तो लूप इज गोइंग टू फिनिश ना, इस तरह से आपका लिख गया। फॉर के लूप में भी एल्स का कंडीशन, एल्स जो है एल्स ब्लॉक आपका जो है वो ऐड किया जा सकता है, और व्हाइल के भी लूप में ऐसा ऐड किया जा सकता है। तो फॉर के लूप में आपने ये जाना कि ये इनिशियल वैल्यू है, ये टॉप वैल्यू से जस्ट बाद की वैल्यू लिखी जाती है, और ये इंक्रीमेंटिंग कंडीशन। इसी काम को अगर व्हाइल लूप से करें, व्हाइल के बारे में लिखें, तो व्हाइल के लूप से भी आप इसका इस काम को कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया कि 1 टू 10 काउंटिंग नंबर को प्रिंट करना है, तो आपने लूप व्हाइल लिया, आपने व्हाइल का लूप अपने अपने यहां से वैल्यू स्टार्ट करी और व्हाइल और कंडीशन, तब तक ये लूप चलेगा जब तक इसकी वैल्यू 10 या उससे लेस रहेगी, तब तक ये लूप चलेगा। और यहाँ पर आपने क्या है, यहाँ पर आप कंडीशन, ये कंडीशन स्टेटमेंट, ये कंडीशन क्लॉज है ना, तो इसको आप लिख सकते हो कमेंट कंडीशन स्टेटमेंट, ये इसको आप कह सकते हो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, और फिर इसके अंदर आप देखो आप यहाँ प्रिंट कराते आई, फिर आपको इंक्रीमेंट स्टेटमेंट इसमें देना होगा। ये आपका क्या है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, तो ये देखिए यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी और ये लूप तब तक चलेगा जब तक 10 आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। आप प्रिंट कराओगे 1 का इंक्रीमेंट करोगे, अब वहां पे सेव एज किया, दैट इज सेकंड एक्टिविटी डॉट फाइल, आपने सेव किया ऐसे, और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखिए 1 to 10 इससे भी प्रिंट हो रहा है।
यहां पर भी एस क्रॉस का आप प्रोविजन कर सकते हो, एस वाई लूप इज देखें, ठीक है, तो आप इसको सेव करो, इसको रन करो, यहां पर आप देखने को मिल गया कि लास्ट में जब आपका वाइल का लूप फिनिश हो जाता है तो एस ब्लॉक लूप के फिनिश होने पर एग्जीक्यूट होता है, वैसे एस ब्लॉक एक बार और के फिनिश होने पर एग्जीक्यूट होता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वाइल और फॉर लूप को समझते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने बताया था कुछ सिंपल प्रोग्राम भी बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी बन सकते हैं। तो सबसे पहला सिंपल प्रोग्राम किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करना, तो दोनों ही लूप के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे हमने एक मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं नंबर इनपुट करूँ और उसकी टेबल प्रिंट करूँ। तो यहाँ पर मैंने हमने एन एक नंबर ले लिया और इसका इनपुट कराते हैं यूजर्स की वैल्यू इंटर नंबर और इसको फॉर लूप के जरिए और वाई लूप के जरिए करके देखते हैं। फॉर लूप के जरिए पहले इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर यूजर से इनपुट करा और फॉर का लूप चला आई इन रेंज 1 to 1, ऐसे कोलन किया। अब क्या है कि आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, एंड 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, तो 1 बाई 1 10 तक वैल्यू। तो अगर n को i से मल्टीप्लाई करें तो n वर्ज 1, n वर्ज n, जैसे n इक्वल्स टू 2 है तो 2 वर्ज 2, 2 वर्ज 4 हो जाएगा। तो यहां पर आप प्रिंट कर सकते हो प्रिंट n इनटू, और फिर आप जब इसको एल्स ब्लॉक भी लगा सकते हो, एल्स आपने प्रिंट ऑफ टेबल ऑफ साइन फिर आप रन करा कर तो इजीली तो इसको ही वाइल लूप से भी आप करके देख सकते हो। अगर इसी को वाइल लूप से बनाया जाए तो यहाँ पर देखिए आपको i इक्वल टू 1 देना पड़ेगा, दैट इज द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10 और फिर प्रिंट i इनटू m और यहाँ पर एल्स और i की वैल्यू आपको यहीं पे इंक्रीमेंट भी करानी पड़ेगी। एस ब्लॉक भी आप यूज कर सकते हैं, आप इसको करके आप देख सकते हो। ऐसे ही आप फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है उसका भी आप प्रोग्राम बड़ा इजीली बना सकते हो। आप जानते हो कि जैसे 5 का फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो जितने नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन
हो जाता है, तो उस प्रोग्राम को भी आप इसके जरिए करके देख सकते हो। आप यहाँ पे देखो, आपने कई बार हमने करवाया है एंड इक्वल्स टू प्रोग्राम एंटर द नंबर नंबर ऑफ इंटर करा लो, और फिर क्या किया हमने, फॉर का लूप चलाए। ऑब्वियस सी बात है आई पहले तो एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे जिसमें वैल्यू आपकी रिजल्ट वैल्यू आपकी कंटेन होके आएगी। बाई डिफॉल्ट उस वेरिएबल की वैल्यू 1 है ना। तो आपने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 5 इंटर होगा या 6 इंटर होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 होता। तो i पहली वैल्यू जो है 1 होगी और दूसरी n प्लस 1 जो भी नंबर दिया जाएगा उससे जस्ट जो टॉप वैल्यू होगी उसके जस्ट बाद की वैल्यू लिखी जाती है। तो ऐसे लिखे लिखा और यहाँ पर रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट तो ये आपने लिखा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑफ एन फोर्थ एक्टिविटी आपने 5 किया तो 1 आप इसको चाहो तो वाइल के लूप के जरिए भी कर सकते हो। आप इसको हटाओ, आप वाइल के लूप के जरिए भी कर सकते हो। तो आपको एक i इक्वल्स टू 1 एक वेरिएबल और करना पड़ेगा, वाइल i is less than equal to n करना पड़ेगा और फिर result equal to result into i करना पड़ेगा and i में a का increment करना पड़ेगा then factorial के जरिए किया जा सकता है, वाई के जरिए भी किया। तो ये जो है ये इंटरचेंजेबली ये यूज हो सकते हैं, लेकिन आप जो है फॉर का लूप ज्यादा करते हैं। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जैसे आप असाइनमेंट में प्राइम नंबर चेकिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं, आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की चेकिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं, आप पैलिंड्रोम का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में बातचीत खत्म होती है। अब आगे की चीज़ें जो हैं, आगे के लेक्चर्स जो है हम कंपोज करेंगे, उसमें जिसमें हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बातचीत करेंगे और जितने भी प्रोग्राम्स हैं एट लास्ट हम लोग असाइनमेंट भी करेंगे, जो चैप्टर के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करेंगे। अगर बुक्स अगर आप सभी के पास हैं तो पैरेलली चीज़ों को आप करते जाइए, और जो भी आपका क्या कहते हैं जो भी इसका क्वेरीज हैं उसको व्हाट्सएप पर आप हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं।